ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है सावन की चतुर्थी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत खास बनाती है। आज के टाइम पे सभी परेशान हैं ना, अपने बच्चों को लेके, अपने घर वालों को लेके। अगर आप अपने बच्चों को और घर वालों को खुश देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस गेहूँ के कुछ दाने लेना, छोटा सा उपाय करिएगा, आप जो मांगोगे सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको बता दूँ, इस पूरी वीडियो में हम लोग चार बहुत ही सुंदर से उपाय की बात करेंगे, जो कि कल के दिन आपको जरूर करने चाहिए, ठीक है। चलो एक एक उपाय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे हम लोग पहले उपाय की तरफ बढ़ते हैं, जो आपने स्क्रीन पे पढ़ा था कि गेहूं के दाने से। कहोगे भैया इसके फायदे क्या हैं? देखो, अगर आप किसी भी काम के लिए घर के बाहर जाते हैं, चाहे आपका बच्चा हो, आपके हस्बैंड हो, या फिर आपके ही घर का कोई सदस्य हो जाता है, वो काम उसका नहीं होता, वो किसी भी प्रॉब्लम में फंसता है, हमेशा फंसता ही चला जाता है, तो इस काम को करिएगा, ठीक है। क्या करना होगा, यहां पर आपको दिख रहा होगा बहुत सारी चीजें हैं ना, ये क्या है, ये है अनाज। कोई ज़रूरी नहीं कि आप गेहूं के दाने ही लें। गेहूं मैंने इसलिए लिखा कि गेहूं के दाने आसानी से मिलते हैं। अब आपके घर के आसपास जो भी अनाज के फॉर्म में आसानी से मिल जाए, मूंग हो तो मूंग ले लो, गेहूं हो गेहूं ले लो, धान हो धान ले लो, चावल हो चावल ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत थोड़ा सा लेना होगा, एक कटोरी से थोड़ा सा कम, ठीक है, ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, चतुर्थी तिथि के दिन शाम के टाइम पर जब आपको चंद्र भगवान के दर्शन हों, तो आपको चतुर्थी के दिन शाम के टाइम पर जब भी चंद्र भगवान के दर्शन हों, उनके दर्शन करेंगे, जल वगैरह जो भी आपको अर्घ वगैरह देना हो चढ़ा देंगे, ठीक है। जल वगैरह चढ़ाने के बाद, इनके दर्शन करने के बाद, उसके बाद आप अपने घर में नीचे चले आएंगे, जहां पर भी आपके घर में भगवान गणेश की फोटो मूर्ति प्रतिमा रखी हुई है, ठीक है, वहां पे आके बैठना। जो आपकी कटोरी में, एक कटोरी जो आपने गेहूं चावल जो भी अनाज का दाना लिया है, वह आपको भगवान गणेश के सामने रखना, ठीक है, सामने रखना। और उसके बाद आपको एक घी का दिया गोल बत्ती का, कौन सा, घी का दिया गोल बत्ती का आप लगा देना, ठीक है। लगाने के बाद एक आसन बिछाना और उस आसन पे बैठना, जो भी आपको पूजन अर्चना करनी होगी, जो भी आपको मांगना होगा मांग लेना, ठीक है, भगवान गणेश से, ठीक है। इतना काम कर लिया, उसके बाद जो गेहूं के दाने आपने भगवान गणेश के पास में रखे हैं, या फिर जो भी अनाज के दाने रखे हैं, उसको वहां से उठाना, ठीक है। एक छोटी सी डिब्बी लेना, कोई सी भी छोटा सा डिब्बा लेना जिसमें ढक्कन वगैरह लगे हों, उस गेहूं के दाने को उस डिब्बी के अंदर डाल देना। डालने के बाद उस डिब्बी को संभाल करके रख देना, है ना। जब आपके घर का कोई भी सदस्य, अब यहाँ मैं जो बोलूँगा वो चीज़ ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ कि आपके घर का, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके मौसी का लड़का है, काका का लड़का है, चाचा का, ऐसा नहीं। आपके ही घर का कोई ऐसा सदस्य हो जो कभी भी किसी भी काम के लिए घर के बाहर जाता है, उसका काम होता ही नहीं है, बिल्कुल वो परेशान ही रहता है हमेशा, पेपर देता है पेपर में पास नहीं होता, बिजनेस से जाता है बिजनेस नहीं होता, शादी के लिए जाता है शादी फिक्स नहीं होती है, तो आप जब भी वो घर के बाहर जाए, कुछ दाने लेना उसकी पैंट के जेब में या फिर उसकी शर्ट के में डाल देना, और वो इंसान चला जाए, उसका हर काम पूरा जरूर होगा, ठीक है, बात आई समझ में। फिर जब वो वापस लोड करके आए, गेहूं के दाने को निकालो और बाहर किसी चिड़िया वगैरह के लिए डाल सकते हैं, है ना। बहुत आसान सा उपाय था, चतुर्थी का सबसे प्यारा उपाय मैं मानता हूं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये दूसरा उपाय किन के लिए है? ये उपाय है बीमारी के लिए, कि अगर आपके घर में ऐसा कोई भी मेंबर है ना जो काफी दिनों से परेशान है, उसको मेडिसिन लगती नहीं, जैसे होता नहीं कि दवा कोई इंसान खाता है उसको दवा असर ही नहीं करती है ना, तो इस उपाय को करेंगे। देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा एक कुछ पाउडर सा ना, ये क्या है, ये है गुलाल, या फिर आप में से कुछ लोग इसको अबीर भी बोलते हैं, तो आप गुलाल या अबीर मान सकते हैं, किसी भी कलर का ले लो। मुझे पिंक कलर पसंद था तो मैंने पिंक ले लिया, आपको जो कलर पसंद हो वो कलर ले लो, ठीक है, ले लिया गुलाल थोड़ा सा। उसके बाद लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा, इस तांबे के लोटे में आपको जल नहीं भरना है, है ना, हमेशा बताता हूँ जल भर के लेके जाना, लेकिन इस उपाय में जल को भर के नहीं ले जाना है। फिर क्या करोगे, इन दोनों चीज़ों को लेके पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक है, महादेव के मंदिर में जाना, तो वहाँ पर आसपास देखोगे फूल पत्ती बेचने वाले बहुत रहते हैं ना, उनसे एक बाल्टी ले लेना और उस बाल्टी में पानी वहीं मंदिर से ही भर लेना और ला करके महादेव के शिवलिंग के पास में बाल्टी को रखना और तांबे के लोटे को इसी बाल्टी के अंदर डाल देना, है ना। जो आपके पास में अबीर है या फिर जो भी आपके पास में गुलाल है, है ना, आपको महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर उस अबीर या फिर गुलाल को रख देना होगा, डाल देना होगा, ठीक है। डालने के बाद इसी लोटे से आपको पांच लोटा जल, क्या बोल करके, शंभू बोलना, क्या है ध्यान से सुनिएगा, शंभू, कुछ और नहीं बोलना है, क्या बोलना है, शंभू।
पांच बार आपको शंभु शंभु बोल करके आपको पांच लोटा जल उसी अबीर के ऊपर समर्पित करना है लगातार 10 दिनों तक। कितने? इस सावन के महीने में या फिर कभी भी आपको मौका मिले, लगातार 10 दिनों तक आपको शंभू शंभू बोल करके पांच लोटा जल उसी अबीर के ऊपर चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। और महादेव से विनती करें कि हमारे घर का सदस्य है, बहुत बीमार है, बहुत परेशान है, आप इसको ठीक कर दें, कुछ इस तरीके से काम करें, ठीक है। आपकी जो भी बीमारियाँ होंगी धीरे धीरे करके ख़त्म होना स्टार्ट होंगी, है ना। दो उपाय की तो बात यहाँ पर हो गई है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय किन के लिए है? उनके लिए है जिनके बच्चे बहुत परेशान करते हैं। लेकिन कैसे करना है उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है वीडियो को कर दो लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। ये जो उपाय है ना ये आपके बच्चों के लिए कि अगर आपके बच्चे बहुत ज़िद्दी, देखो बच्चा कितना क्रोधी है ना, ऐसे अगर बच्चे आपके क्रोधी बहुत होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके आपसे लड़ाई करते हैं, अपशब्द बोलते हैं मुख से, है ना, या फिर उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो इस काम को करेंगे। बहुत ही आसान सा, बहुत ही छोटा सा उपाय है। स्क्रीन पर आपको कुछ दिख रहा होगा, ये क्या है? ये है मक्खन, है ना। कोशिश करिए कि आपको जो मक्खन लेना है वो गाय के दूध से बना हुआ होना चाहिए, गऊ माता के दूध से ही हो, कोई और मक्खन यहाँ पर नहीं चलेगा, ठीक है। मक्खन ले लेना, मार्केट में बहुत मिल जाएगा आपको, कोई परेशान होने की बात नहीं है, है ना। मक्खन लेना और इस मक्खन को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। कोशिश करना, सावन के महीने में तो बहुत भीड़ होती है सभी मंदिरों में, तो ऐसे किसी महादेव के शिवलिंग के पास जाना जहां पर थोड़ी भीड़ भाड़ कम हो, है ना। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। उसके बाद महादेव के शिवलिंग के पास में जाना और जो मक्खन आपके पास में ना उसका लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करते जाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। अच्छे तरीके से लेपन करना। लेपन करने के बाद हाथ जोड़ करके महादेव से विनती करना कि हमारा बच्चा है बहुत गलत संगति में है, अपशब्द बोलता है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, महादेव आप उसको ठीक कर दें अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग जैसे भी। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही आप प्रार्थना करो, जैसे मैं जब पूजा करता हूँ तो मैं प्रार्थना ऐसे करता हूँ, तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, आपकी जैसे इच्छा हो, जैसे आप बोलते हो, जैसे आप करते हो वैसे आप करना, ठीक है। ये तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ बस, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस मक्खन को एक छोटी सी कटोरी में निकाल करके रख लेंगे। कितना? इस मक्खन को निकालना, एक छोटी सी कटोरी लेके जाना, उसमें रख लेना, और उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। अब देखो, जो कटोरी में आपने मक्खन निकाला है ना, इस मक्खन को आपके घर का जो बच्चा बहुत परेशान कर दिया है आपको ना, उस बच्चे को खिलाना होगा। देखो ऐसा, अब इतना क्रोधी है, इतना गुस्साला है, तो आपसे आसानी से तो खाएगा नहीं, तो या तो उसको ब्रेड में लगा के दे दो, या फिर उसको चाय में मिला के दे दो, किसी सब्जी वगैरह में खिला रहे हो तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके खिला दो। कितने दिनों तक खिलाना है? उस मक्खन को किसी भी तरीके से 11 दिनों में ख़त्म करना है, बचना नहीं चाहिए, किसी भी तरीके से ऐसी क्वांटिटी में खिलाना कि वो 11 दिन में ख़त्म हो जाए। खिला करके देख लेना, आपका बच्चा बहुत सुधर जाएगा, ठीक है। समझ में आई क्या मेरी बात? चलो, तो यहाँ पर हमने तीन उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अब अपने चौथे उपाय, यानी कि आखिरी उपाय, ठीक है। देखो इतने उपाय मैं बता देता हूँ, कोई सा भी एक उपाय जो आपको सबसे ईजी लगता है ना वो आप किया करिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र। सबसे पहले इसके फायदे समझो, अगर आपके कोई काम बनते ही नहीं है, काम बिगड़ जाते हैं ना, तो इस काम को करेंगे, है ना। मतलब कि बहुत उपाय कर लिए फिर भी इच्छा नहीं पूरी हो रही है, तो इस उपाय को करेंगे, बहुत आसान है। मात्र एक बेलपत्र लेना जो कहीं से कटा पिटा हुआ ना हो, ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा चंदन। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आपके पास अगर पीला चंदन हो तो पीला चंदन ले लें, आपके पास लाल चंदन हो तो आप लाल चंदन ले सकते हैं, इनमें से कोई सा भी चंदन लेना। और उसकी मात्र एक बिंदी आपको इस बेलपत्र पे लगानी होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बड़ा ही लगाना, एक बिंदी लगा देना, ठीक है। अब इस बिंदी को लगाने के बाद, या फिर पूरे बेलपत्र पे चंदन लगाने के बाद, इस बेलपत्र को लेके जाएंगे बेल पेड़ के नीचे। कहाँ जाओगे? बेल पेड़ के नीचे। वहां पर बैठ जाना और एक घी का दिया लंबी बत्ती का, कौन सा? घी का दिया लंबी बत्ती का लगाना, और जो एक बेलपत्र चंदन वाली है वो बेल पेड़ की जड़ में ही आपको रख देना है, बिल्कुल सीधा सीधा। पत्ती का मुख होना चाहिए पेड़ की तरफ, डंडी का मुख होना चाहिए आपकी अपनी तरफ, ठीक है। वहां पर रखना, हाथ जोड़ करके जो भी कामना होगी वो कामना बोलना। लेकिन जब बेलपत्र रखोगे तो एक मंत्र बोलना होगा, वो मंत्र कौन सा है? नमः शिवाय। यहां पर ओम नहीं बोलना, फिर से बोल रहा हूं, आपको बोलना होगा नमः शिवाय, सिर्फ और सिर्फ नमः शिवाय मंत्र का जप करके रख देना। उसके बाद उस बेलपत्र को फिर वहां से उठाना
और महादेव के शिवलिंग के पास लेके चले आना और फिर से वही मंत्र बोलना होगा। क्या? नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, डंडी रखना माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख होना चाहिए आपकी तरफ। अपनी कामना कह के नमः शिवाय बोल करके चंदन लगा करके जो भी बेलपत्र, पहले बेल पेड़ के नीचे फिर वही बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई जाती है, तो आपके सारे विशेष, सारे कष्ट आपके दूर होते हैं, विशेष आपकी पूरी होना स्टार्ट होती है ना। तो इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने चार उपाय की बात की है। चतुर्थी बहुत लोग कह रहे हैं कल है, बहुत लोग कह रहे हैं परसों है, अपने कैलेंडर में देखना कब है, उसी अकॉर्डिंग उपाय को करना है ना। कोशिश की मैंने बहुत अच्छा समझाने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया नीचे कॉमेंट में पूछें, और जितने भी भाई बहन अचानक से चैनल पर आ गए ना तो जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।